नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। राजनीति के भी अलग रंग होते हैं। जब कोई व्यक्ति का इवेंट बनाना होता है तो इवेंट तो बन ही जाता है, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि बड़ी रैली हो गई, बड़ा कार्यक्रम हो गया, उसके बाद जिन लोगों ने वो कार्यक्रम किया, जो लोग जिन्होंने साउंड सिस्टम दिया, जिन्होंने स्टेज बनाया, उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं और उसके लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं। जी हाँ, आप जानते हैं पिछले वर्ष कैसे जब प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद कितना बड़ा इवेंट किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि 100 नदियों में उनके जो अस्थि है उनका विसर्जन होगा। 16 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई थी 2018 में। उसके बाद लगातार 15-20 दिनों तक पूरे भारत में बीजेपी ने कार्यक्रम किया था, कभी दिल्ली में, कभी आपको लखनऊ में, बहुत विभिन्न राज्यों में, हर जगह आपको जो प्रमुख नदियां थी उस पर उनका जो अस्थि था उनका विसर्जन किया गया था। उसी से जुड़ी ये खबर आ रही है। पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा इवेंट आपको गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ में है, उसके किनारे किया गया था। आपको जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है, जो उनकी मृत्यु का जो कलश है, जो उनका अस्थियों का कलश था, उनको विसर्जन करने का एक बहुत बड़ा इवेंट किया गया था। तो उसमें आपको हेलीकॉप्टर से अस्थियां मंगाई गई थी, बड़े आपको योगी जी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री थे हैं, और उसके बाद आपको जो केशव प्रसाद मौर्य थे और जो आपको मुख्यमंत्री वो भी थे, और उसके बाद आपको राम नाईक भी मौजूद थे, और जितने हजारों लोगों की हजूम जुड़ चुका था, बीजेपी के समर्थक थे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को चाहने वाले थे। और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हुआ था जिसको शायद सभी लोगों ने टीवी पर देखा था। आप बता दें, उससे जुड़ी खबर है कि अब लगभग 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस कार्यक्रम के, और उसके बाद भी जो इस कार्यक्रम जिन लोगों ने किया, जिन कंपनी ने किया था, वो आज भी इसके पैसे के दद्दर की ठोकरें खा रहे। जी हाँ, ये लगातार चल रहा है पिछले एक वर्ष 8-9 महीने से। ये इसकी भुगतान के लिए कई बार चिट्ठी लिख चुकी है लखनऊ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आपको सूचना जो सरकार है उसको, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। और आखिरी बार जो चिट्ठी लिखी गई थी आपको मई के महीने में, उसका जवाब आया है और उसमें कहा गया है कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए सरकार के पास क्या कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि पैसा दिया जाए। तो अब यह बड़ा ही एक असमंजस की परिस्थिति बन गई है, क्योंकि सरकार ने यह बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया था, प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व थे, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व थे, और उसके बाद अब पैसे देने के लिए आनाकानी हो रही है। आपको बता दें, जो आपको एमपी सिंह है, आपको सचिव हैं, आपको लखनऊ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, वो लगातार खत लिख रहे हैं। पहले जनवरी के महीने में खत लिखा, फिर मार्च के महीने में खत लिखा, फिर मई के महीने में खत लिखा कि आप जो सूचना विभाग है वो पैसे दे, क्योंकि भुगतान करने की जो चीज है जो उनके ही अंडर आता है, जो सूचना विभाग उनके अंदर आता है, लेकिन लगातार वहां से निराशा ही हाथ लग रही थी। और उसके बाद अब सीधा सीधा जवाब आ गया है कि पैसे अब नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन अब जैसे ही मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ, लोकल अखबारों में छपने लगा है, उसके बाद अब जो है एक परिस्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलने वाली नहीं बची है, सूचना विभाग को भी बोलने वाली नहीं बची है, और साथ में आपको योगी सरकार की भी नहीं बोलने वाली बची है, क्योंकि वो भी क्योंकि उस वक्त बड़ी ही आपको इनका जो विपक्षी पार्टियां थी वो काफी मुखर होकर बोल रही थी कि जो इनकी मृत्यु अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु है उसे एक इवेंट बना दिया गया, एक वोट गेनिंग इवेंट बना दिया गया कि इलेक्शन में इसका फायदा लिया जाएगा। अब अचानक देखिए, जिनके नाम पे वोट लिया, जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की, अब उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके जो पेमेंट है उसे भी देने के लिए सरकार आनाकानी कर रही है। उसके बाद आपको जितने कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, आप गुर्जर है जो आपको वहां पे राष्ट्रीय सचिव हैं, आपको कांग्रेस पार्टी के, वो भी सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि वो अब जिस व्यक्ति ने पार्टी खड़ी की उसके लिए पैसा देने की आनाकानी कर रहे हैं। वहीं पर एक और आपको पूर्व आईएएस अधिकारी है, आपको सूर्य प्रताप सिंह, वो उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि जब इवेंट जो है वो एक राजनीतिक पार्टी का है तो फिर वो पार्टी पैसा जो है 2 करोड़ रुपए सरकार क्यों दे, वो पार्टी को ही खुद फंड से देना चाहिए। और उसके बाद शिशिर सिंह है जो आपको सूचना जो विभाग है उसके आपको अधिकारी है, उन्होंने कहा कि इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा और जो कॉम्प्लेक्स है, जो मामला पुराना है, उसे हम जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द पेमेंट जो है जारी करने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा, क्योंकि अब मामला लगभग अगर जोड़ा जाए अगस्त के बाद अब तक का मामला तो लगभग 9 महीने हो चुके हैं और अभी तक जो लोग जिन्होंने इवेंट किया है उनको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। और जो अब जो परेशानी है लखनऊ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को है, अब देखना होगा जब यह मामला मीडिया आ गया है तो कैसे आप योगी सरकार कितनी जल्दी इसकी पेमेंट करवाती है, या फिर यह मामला और लटकेगा और फाइलों में दबता चला जाएगा और बाद में कोई इसकी सूद भी नहीं लेगा। लगातार इस तरह के वीडियोस के लिए देखने के लिए हमारे चैनल एक्सिस 24 को सब्सक्राइब करें।